हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और नया तरह की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये आप स्वेटर के आगे बीच में डाल सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे जो हैं 20 फंदे इधर हैं और 20 इधर हैं। यहाँ से जीरो से हमने स्टार्ट किया, बीच में मुझे डिज़ाइन डालनी है। यहाँ से हम 3 फंदे लेंगे, निकालेंगे और एक निडल छोड़ के साइड वाली, और इधर 2 निडल में हमें डाल देना है। इधर से भी हम 3 फंदे लेंगे और इस तरह से हम, अब हम फिर यहाँ से 3 फंदे निकालेंगे। ये हमारा जो बीच वाला फंदा है इसमें हम डालेंगे, साइड वाली छोड़ देंगे निडल इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ट्रांसफ़र टूल लेंगे और यहाँ से ये वाली जो है निडल छोड़ करके हम यहाँ से 3 फंदे निकालेंगे और इधर से 3 फंदे निकालेंगे, ये फंदा इधर डाल देंगे और ये वाले फंदे हम अब फिर हम यहाँ से एक फंदा छोड़ेंगे और 3 फंदे निकालेंगे। पहले फंदे इधर और इधर उधर वाले फंदे जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब जहाँ से हमने जो है फंदा निकाला था, ये निडल पीछे की साइड है, वो हम आगे की साइड कर देंगे। निडल आगे की साइड कर देते हैं सारी, जिससे हमारे फंदे ना फंसें। अब कैरिज को हम 4 बार चलाएंगे, यानी कि 4 सलाइयाँ लगेंगी। यही सेम प्रोसेस करना है। बीच वाला जो हमारा फंदा है और इसके दोनों साइड में हमें बराबर बराबर फंदे रखने हैं। यहाँ से फिर हम 3 फंदे निकालेंगे, एक साइड वाला छोड़ देंगे और इस बीच वाले फंदे में जो है इस तरह से डालेंगे। इधर से 3 फंदे लेंगे, एक निडल छोड़ देंगे बीच वाले फंदे और इस 2 निडल में हम ये वाले फंदे डालेंगे। यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर एक फंदा यहाँ से छोड़ना है हमें, 10 से 3 फंदे निकालेंगे, इधर से फंदा इधर और इधर वाला फंदा इधर ट्रांसफर करना है। इधर भी ऐसे ही करना है, एक निडल छोड़नी है हमें। फंदा इधर और इधर वाले फंदे इस साइड ट्रांसफर कर, फिर ये पीछे वाली निडल आगे कर देंगे। सारी निडल आगे कर देते हैं, फिर 4 सलाई लगाएंगे हम। इसी तरह से आप जो है सेम प्रोसेस रिपीट करते चले जाएंगे। मैंने नीचे थोड़ी सी डिज़ाइन बना के रखी हुई है, कुछ सलाइयाँ चला लेती हूँ तो आपको दिखाते हैं किस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आएगी। 4 सलाइयाँ चलाने के बाद आपको सेम ही डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए, इस तरह से ये आपकी डिज़ाइन बनकर आएगी।